आपका नाम क्या वस्त्र बताइएगा? नाम सौरभ कुमार साहरसा, संघर्षा प्रथम संघर्षा थाना बसने ही सहरसा जिला सहरसा बिहार लक्ष्मी गोल्ड मक्का हुआ। पैदावार भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद जो चार बार हमें आया है उसमें खड़ा है, अभी तक नहीं गिरा है। बगल वाले प्लॉट में क्या मक्का गिरा था? बगल वाले प्लॉट में दूसरा मक्का था क्योंकि वो बहुत गिर गए। लेकिन आपका ये मक्का आपके लोग बहुत सारे किसान के सामने भी है, ये मक्का गिरा नहीं है। तो इस मक्का का जो खासियत है, और हम लोग जो शुरुआत में 5G का चर्चा करते थे, क्या 5G स्पीड का ये मक्का है? क्या 5G इसमें क्या लगा आपको देखने में? जनरेशन है 100% हुआ था जी। उसके बाद जनरेशन के बाद ग्रोथ अच्छा से हुआ। उसके बाद ग्रेन क्या है, दाना कैसा दिख रहा है? दाना में वेट भी है, ठीक है। तो और ग्रोथ वेट भी बहुत अच्छा आया है, 52 क्विंटल प्रति एकड़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अच्छा पैदावार लक्ष्मी से लिए हैं। और इस और 5G का जो 5वां स्टेज है वो लक्ष्मी गोल्ड है। तो यदि हम लोग का उपज अच्छा होगा, किसान ज़्यादा उपज हमारे घर में जाएगा, क्या सोने का सामान होगा, हम लोग 1 रुपया से सोना या फिर कुछ खरीद सकते हैं। सोने का सामान हो गया लक्ष्मी गोल्ड। तो किसान बंधुओं, जैसा कि हम आज हम लोग यहाँ पे इस आपके सामने 3x3 3 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा प्लॉट का हार्वेस्टिंग किए, जिसमें कि इसका पैदावार आया 19 kg भुट्टा हुआ 3x3 में, और 3x3 में हुआ। उसके बाद इसमें दाने का वजह परसेंटेज जो है 82 सेलिंग परसेंटेज है। 5 kg भुट्टा में 4 kg 100 ग्राम दाना निकला, और 19 kg भुट्टा में 15.5 kg जो है दाना मिला, और मॉइस्चर इसका जो है 20 निकला, ठीक है। टोटल जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 65 क्विंटल प्रति एकड़ यील्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी इसमें लेबर कॉस्ट बाद में किए हैं, 10-12 क्विंटल लेबर कॉस्ट भी निकल सकता है। तो 52-53 क्विंटल एक्चुअली इसका यील्ड आ रहा है। क्या इस यील्ड से आप संतुष्ट हैं? और दूसरे किसान को क्या, आप सभी किसान भाई अगले बार क्या कौन सा मक्का लगाइएगा?